सुपोषित माँ अभियान में पधारी सभी माता बहनों को मेरा प्रणाम। यहां पर मैं बड़ी संख्या के अंदर दूर दराज के गांव से आई माता बहने जिनके मन का एक सपना है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, देश और दुनिया में नेतृत्व करे, तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो और आने वाले समय के अंदर वो बच्चा देश का नेतृत्व करे। हर मां का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए मां अपना पूरा जीवन उस बेटे और बेटी के लिए समर्पण कर देती है। और मैंने देखा है कि बहुत कठिनाई के अंदर, बहुत मुसीबतों के अंदर, बहुत संकट के अंदर के बाद भी आपकी कोशिश रहती है कि मेरे शरीर को कुछ तकलीफ हो जाए, मुझे परेशानी हो जाए, लेकिन मेरे बेटे बेटी स्वस्थ रहने चाहिए। ये दुनिया में मां के अलावा किसी की सोच नहीं हो सकती, ये मां ही विचार करती है। शादी के पहले एक परिवार में रहती है, माता पिता उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर शादी करती है। शादी के बाद वो दूसरे परिवार में जाती है और उस परिवार के माता पिता पति सबको संभालने का काम। बेटी केवल अपने परिवार को नहीं देखती, बेटी दो दो परिवारों को देखती। और जितनी संवेदना मां में होती है उतनी संवेदना किसी में नहीं होती। मैंने कई बार देखा है कि मां भूखी रह जाती है लेकिन परिवार का कोई बच्चा पति भूखा न रहे उसकी चिंता करती है। आप में से कई लोग अभी सुबह घर पे खाना बना के आए हैं, घर का काम करके आए हैं, शाम को फिर खाना बनाएंगे, घर का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि शाम तक सबको भोजन मिल जाए और सारे घर की व्यवस्था जमी है। जो कामकाजी महिलाएं होती है वो कामकाजी महिलाएं कई महिलाओं को देखती हूं कि 7 बजे मैं आज घर से निकल रहा था तो मेरे घर में काम करने वाली 4 महिलाएं सुबह 8:30 बजे 9 बजे टिफिन लेकर काम करने के पहले कुछ खाना खा ली। मैंने उनसे पूछा कि कितनी बजे खाना बनाया, उन्होंने कहा हमने 7:30-8 बजे खाना बनाया, हमारे पति को बेटे को खाना खिलाया और पति को भी कुछ खाना बांध के दिया, हम भी लेके आगे खाना बांध कर हम यहां काम करेंगे, शाम को जाकर फिर परिवार के लिए खाना।
मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जिस परिवार के अंदर अभाव में 7 बच्चे होते हैं, तो कई बार खाना कम होता है तो कोशिश करती कि 7 का 7 बच्चे खाना खा ले, मेरे लिए बच जाए तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मेरे बच्चे खाना। सुबह आप जब घर से निकलो तो आप देखो फुटपाथ के किनारे घर पे महिलाएं खाना बनाती रहती है, फिर सामान समेटती है, फिर काम करती है। आपने कई बार देखा होगा कई माएं 1 महीने का 15 दिन के बच्चे को लाकर उस बच्चे को कोई 2 बांस में या कहीं बांध देती है, लटका देती झूले में और पेट पर बांध कर काम कर शाम की रोटी का इंतजाम। 15 दिन एक गर्भवती महिला को 15 दिन बाद वापस काम पर चल जाती है, क्योंकि उसको उसकी घर की रोटी की 2 रोटी का इंतजाम करना है। अभी मैं खेरिस के दिन में गया तो मुझे महिलाओं ने कहा कि साहब 7 बजे काम चल जाते हैं, हमें 150 रुपये मिलते हैं, इससे हमारे घर का खर्चा है। इस सृष्टि में मां की लीला अलंकार है। सब कुछ जीवन, अपना जीवन समाज के लिए, परिवार के लिए समर्पण, ये उनके जीवन का हमेशा संस्कार रहा है। इसलिए मां की हमेशा पूजा होती है। मैं पिछली बार जब कुछ बच्चे जेके लोन हॉस्पिटल में पैदा होने के बाद मर गए तो मैं उन महिलाओं के घर पे गया। राजनीति व्यक्ति हूं कुछ, हमने राजनीति करी, बच्चे मर गए, पर लेकिन मैंने कहा बच्चे मर गया कि मरे तो बच्चे, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर, और मरने वालों का जब मैंने लिस्ट देखी तो कोई 21-25 बस्ती में, कुछ किस गांव में, किस कच्ची बस्ती के अंदर, कोई भी बच्चा किसी बड़े घराने का या पैसे वालों का नहीं मरा। तो मैं उनके घर के गया सब महिलाओं, तो मैंने देखा कई महिलाओं को कि उन महिलाओं का वजन इतना कम था कि बच्चा पैदा करने की ताकत ही उनमें नहीं थी, और कई में बच्चा पैदा करने की ताकत थी तो खून की कमी थी, किसी और की कमी थी। तो मैंने कहा कि अगर इन परिवार की स्थिति ऐसी है तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते थे, तो वही कहा कि मेहनत करती थी, बच जाता तो खा लेती थी, नहीं तो सूख जाती थी। अब वो सो जाती थी तो जो बच्चा है उसको भी पोषण ठीक से नहीं पहुंचता था, उसको भी खाना ठीक से नहीं पहुंचता था, तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया। तो मेरे उस दिन से मेरे मन में तनाव था कि क्या अगर हम ऐसी महिलाओं की चटनी कर उनको हर महीने 1 महीने का भोजन का किट दें, हर महीने उनकी जांच निःशुल्क हो, ब्लड की कमी हो तो ब्लड उपलब्ध कराए, और गोली की आवश्यकता तो और गोली उपलब्ध कराए, तो क्या बच्चा स्वस्थ हो सकता है क्या? ये मन में एक मेरे विचार था। और हमने कहा कि ये कोशिश करना ही चाहिए, और मैं आपको बताऊं कि जिन गर्भवती महिलाओं को हमने 11 महीने तक भोजन दिया, उन महिलाओं के जब मिले और उनके बच्चे जब दिखे तो मन में लगा कि हाँ, इस महिला को 11 महीने तक ठीक से भोजन मिला, इसलिए उसका बच्चा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। यह बहुत छोटी शुरुआत है। और
वंचित महिलाओं को एक अच्छा पौष्टिक भोजन देकर उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे, वह भी स्वस्थ रहे, यह सपना हम देखना चाहते हैं। और इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आप में संवेदना होती है, आप में पीड़ा होती है, आप दूसरे के दर्द को समझती हो। हमें केवल हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गरीब इलाके के अंदर हमारी कई महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बैठी है जो कम वेतन में ज्यादा काम करती है, सफलतापूर्वक काम करती है, आशा सहयोग में है। मैं चाहता हूं कि हम राम मंडी के से लेकर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में एक ऐसी योजना बनाएं कि हर गांव में चार महिला ऐसी तैयार हो जो गर्भवती महिलाओं की चिंता करे, उसको भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसकी जांच घर बैठे कराने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको ब्लड की जरूरत है, और चीज की जरूरत है, कोई भी चीज की आवश्यकता होगी वह हम उपलब्ध कराएंगे, और उसकी डिलीवरी भी सरकारी हॉस्पिटल में हो ताकि वह बच्चा भी स्वस्थ रहे और बच्चे की मां भी स्वस्थ रहे। यह हमारा सुपोषित अभियान है। हमारा सपना जब पूरा होगा, जब गरीब की हर महिला से पैदा होने वाला बच्चा सुरक्षित रहे, एक भी बच्चा पैदा होने के बाद नहीं मरे, जब तक ये काम हमारा पूरा नहीं होगा, जब तक अनवरत रूप से हम इस अभियान को चलाते रहेंगे। और मेरा विश्वास है आपका अगर सहयोग मिलेगा, हर गांव में 5-6 महिला ऐसी खड़ी हो जाएगी जो हर महिलाओं की चिंता करेगी, हमें धूप खिलाएगी कि ये महिला है, इसकी ये परेशानी है, इसको 11 महीने तक, 10 महीने तक अच्छा भोजन दो, और कमी है तो और दो, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा स्वस्थ रहे उसकी भी चिंता करो, उसके लिए जो जो भी पौष्टिक आहार की चीजें वो भी उपलब्ध कराओ, हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ऐसी महिलाओं की चिन्हित करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम केवल आपसे एक सहयोग चाहते हैं कि सबसे पहले सबसे गरीब और सबसे वंचित, जो सबसे ज्यादा अभाव में है, उसको उठाएं, और धीरे धीरे ये प्रयास करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। गरीब गर्भवती का बच्चा ही क्यों मरे, ये मेरे दिमाग में हर सवाल रहता है, और मेरे मन में विचार है कि किसी गरीब गर्भवती महिला का बच्चा स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं आपके सहयोग मांगने के लिए आपको आग्रह करता हूं। आप इसकी चिंता नहीं करेंगे 300 देने, 400 देने, 500 देने, 600 देने, 1000 देने, इस किट के अलावा आपको आवश्यकता है कि और दवाओं की आवश्यकता है, घर में बैठकर जांच कराने की आवश्यकता है। हम घर में बैठकर महिलाओं का ऐसा एक डेवलप कर देंगे, अगर हमें गांव में 4-4 महिलाएं उसकी ट्रैकिंग सिस्टम पर आ जाएगी कि हाँ ये महिला हमारे गांव में है, इसकी ये कमी है, हमारा कार्यकर्ता आपके घर तक भोजन भी पहुंचाने का काम करेगा, दवा पहुंचाने का भी काम करेगा, और जब कभी खून की आवश्यकता होगी तो खून दिलाने का काम भी हमारा कार्यकर्ता काम करेगा, आप निश्चित रूप से मानें। और इस अभियान के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं मां की जितनी महिमा करूं दुनिया के अंदर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मेरी मां भी बहुत कष्टों में रहती थी,
हम छह भाई तीन बहने हैं। मुझे याद है मेरी माँ मैं सबको भोजन सुबह भोजन बनाना शाम को भोजन बनाना नदी में कपड़े धोने जाना इकट्ठे करके चार पांच दिन के कपड़े हो जाते तो मेरी माँ सिर पे रखकर वो 3 किलोमीटर दूर नदी में जाकर कपड़े धोकर लाती थी। कई बार लोग कहते थे आप शैतानी जी इतनी दूर भेजा जाओ तो घर में बाथरूम कोई ना गए उन्हें शायद है तो सही लेकिन नदी में एक साथ बहुत सारे कपड़े धुल जाते हैं और सबको एक साथ धुलने में नदी के अलावा बाथरूम में व्यवस्था नहीं हो सकती। उस समय कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। मेरी माँ सुबह 4:30 बजे उठा कर चक्की चलाती थी। हम कई बार कहते थे चक्किया है नहीं घर पे आटा पीसना नमक पीसना मसाले तैयार करना। कई बार हम देर रात्रि को राजनीति में काम करते आते थे तो कोशिश करते थे कि धीरे से चल के रसोई में चुपचाप जो पड़ा हुआ खा लें अगर जरा सी आठ हुई तो माँ की नींद जग गई तो रात को खाना बनाने लग जाएगी खाना बनाए अपना मानेगी। तो हम कोशिश करते थे कि चुपचाप जाएं कि उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी अगर आवाज सुनाई नहीं देती तो रात को 1 बजे भी चक्कर उठकर खाना बनाने का काम करते। हमने माँ को जिंदगी में सब करते देखा आप भी सब ये करते हैं काम भी करते हैं मेहनत भी करते हैं पैसे भी कमाते हैं मजदूरी भी करते हैं और उसके बाद अपने बच्चे को भी पालते हैं परिवार को पालते हैं और जिस घर में पैदा हुए अपने माँ बाप को भी चिंता करती है ये दुनिया में और कोई नहीं करती माई चिंता करती है। इसलिए कोई समय होता था वो कहते थे कि हमें बेटा चाहिए। आज कई लोग ऐसे हैं जिनके बेटे बेटे भी हमारे एक भी बेटी नहीं इसकी चिंता करते हैं। मेरे तो उसके 2 ही बेटियां हैं। हमारे घर में कहा कि 2 ही बेटियां एक बेटा होना चाहिए वारिस कौन बनेगा मैंने कहा बेटियों से ज्यादा जिंदगी में कोई किसी के लिए नहीं हो सकता 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां हमारी चिंता करते इसलिए माँ की आंखों में बेटियां बेटे का अंतर नहीं होता। परिवार के बोझ के कारण परिवार के दबाव के कारण माँ चाहती कि बेटा पैदा होना चाहिए। माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा ही पैदा हो बेटी नहीं हो। इसलिए आप निश्चित मानना हम सब सामूहिक रूप से काम करने वाले लोग हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस इलाके की एक भी माँ जो गर्भवती है उस गर्भवती का कोई बच्चा पैदा होने के बाद न मरे वह स्वस्थ रहे मां स्वस्थ रहे यही हमारा सपना है और इस सपने को हम सबको मिलकर पूरा करना है यही आपसे निवेदन करना है। बहुत बहुत